वो ये मैंने दो रोटी लिया। आज हमारा कमल भाई खिला रहा है मुझे। बहुत बड़ा महाजन। बाकी वो जैकेट वैकेट सब कुछ पहना तो सही है, लेकिन जब मौसम में यहाँ पे राइड करना है तो आपको एक राइडिंग जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही। चेन खोल। तो अभी मैं हूँ घर से बहुत दूर। भाई सब देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, पूरा कोहरा ही है अभी तक। और भाई मेरा हाथ जम रहा है भाई ठंड की वजह से, पूरा ठंड लग रहा है भाई। और मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हुआ है आपको बताएं? जब मैं घर से निकल गया था तो मैं ग्लव्स लेना भूल गया था। इतना बड़ा बेवकूफ़ी मैं कैसे कर सकता हूँ? इतना ठंड में मैं बाहर आया हूँ घर से इतना दूर, और वो भी विदाउट ग्लव्स। और उस गलती का परिणाम मुझे आते आते भुगतना पड़ा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो इतना ठंड है यहाँ से, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है भाई साहब। गड़बड़ा में जितना ठंड है उससे कहीं ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। भाई अब तक मेरा हाथ फील ही नहीं हो रहा है, हाथ इतना ठंड है। और अगर आप इस मौसम पे यहाँ पे राइड करने के लिए सोच रहे हो तो भाई साहब विदाउट राइडिंग जैकेट आप ये कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज़रूरत है भाई। आपको राइडिंग जैकेट तो चाहिए। आप अगर इस मौसम में यहाँ पे राइड करना है तो आपको एक राइडिंग जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही। और बाकी आज मैं अकेला हूँ तो आपको ज़्यादा सोच में आपको दिखा नहीं पाऊँगा रास्तों का। वैसे रास्ता बहुत अच्छा है, देख सकते हो बन चुका है पूरी तरीके से। और वैसे अब मुझे इतना ठंड लग रहा है भाई, क्या ही बोलूँ। बाकी मेरा घर इधर है तो अभी मैं जा रहा हूँ मनकचौर। मेरा एक काम है एक्चुअली, मेरा बाइक का जो ये वाला पार्ट है ना, जो ये पॉकेट, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो ये ठीक करने के लिए मैं जा रहा हूँ। बाकी कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। भाई साहब बहुत ठंड लग रहा है भाई, विदाउट ग्लव्स पूरा हाथ, लिटरली माई हैंड इज़ फ्रीजिंग भाई। और बाकी नज़ारा देख सकते हो आप, और ऊपर से हवा दे रहे हो तो भाई हवा की वजह से जो ठंड है ना वो इंटू 100 बन रहा है। बाकी आने के टाइम में मुझे सर्दी नहीं था, अभी सर्दी हो रहा है। और यही रोड साइड कि अब जो हवा और यहाँ पे जो पानी ठीक है ये सब, ये देखो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कितना ठंड है। तो मैं अभी, मेरा बाइक है उधर में, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली टॉयलेट करने के लिए आया था, तो उधर बाइक है तो मैं अभी बाइक के पास जा रहा हूँ। चलो तो अभी मैं पहुंच गया हूँ मेरे जुमला में, यहाँ पे मेरा बाइक सामने में। तो इसी दुकान से हम लोग चेक करने वाले हैं ये पॉकेट का। इतने काम करने के आदमी अपना नाम अरे ओके हैंडल बागलो को तो फिर वो
হ্যান্ডেল বারের দাম কত খুলবো? দাম আছে 450 টাকা। হ্যালো হ্যালো তো ইয়ে হে দোকান যা পে মো সামান খরিদা পকেট। वैसे आप तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो और जब आने के टाइम में तो मैंने आपको बताया था कितना ठंड पड़ रहा था, और आने के टाइम में ऐसा हाल हुआ है कि जब मैं आ रहा था तो एक क्या बोलूँ, नमूना बोलूँ क्या बोलूँ, समझ में नहीं रहे। बाकी एक इंसान को मिला था जो बाइक चला था, हाँ बाकी वो जैकेट वैकेट सब कुछ पहना तो सही है, लेकिन जब वो जैकेट पहना है लेकिन जैकेट का जो चेन है वो बंद ही नहीं किया था, ऐसे हल्ला होकर के पूरा बाइक चल रहा, और इतना ठंड, मुझे ऐसा ठंड लग रहा था, और सोचो ठंड में वो कैसा चला रहा होगा। बाकी मुझे तो आप इसे चला सकते हो क्या, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको बहुत सारा सामान मिल गया घर में, बाकी मेरे घर में काम चल रहा है, वो चक्का टक्का खोल दिया, अभी काम चल रहा है। ये है वो स्पॉकेट न्यू वाला, तो इसका मैं प्राइस आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसका प्राइस कहा गया 1400 दिखा रहा है, बट पता नहीं, मैं बोल के देखता हूँ कितना मिलेगा। चक्का वक्का पूरा खोल दिया, তো কত করে ধরব? হ্যাঁ কত করে ধরব? আর বানানির কত ধরব আপনারা? ফিটিং চার্জেস খোল রায়। আর মোবিল চেঞ্জ করলে কটা ধরব? মোবিলের দাম যেটা আছে ওটা মোবিলের দাম যেটা লাগাবো ওটা দাম ধরব। হ্যাঁ মোবিলের দাম তো ওটা আলগাই হবো, ওইটা তো इधर सामने पेट्रोल पंप है वो देख सकते हो, ये जो रास्ता है ये आमपट्टी जाता है, और इधर से मनकचोर। ये मैंने 2 रोटी लिया, आज हमारा कमल भाई खिला रहा है मुझे, किस खुशी में? अरे मालिक हो गए ना। हाँ हाँ बहुत बड़ा महाजन बहुत बड़ा महाजन हम इसी की गांव दे की गांव पे बेटा सिंह